आप देखें, कहते हैं कि मैं बरसों जंगलों में रहा, दरख्त के पत्ते और बोटियों पर मैं गुजारा करता, मुझे पहनने के लिए हर साल एक आदमी एक सूफ यानी ऊन का एक जुब्बा ला करके देता था और जिसको मैं पहना करता था। साल में एक बार एक जुब्बा ला करके एक आदमी मुझे देता था, उस जुब्बे को मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से नजात पाने के लिए हजार जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। जुबतिबा फरमाते हैं, मैं दुनिया की मोहब्बत से नजात पाने के लिए क्या करता, हजार जतन किया, फिर उसके बाद खामोश रहने का आदि बन गया। मेरी खामोशी को लोग देख कर मुझे लोग गूंगा समझने लगे, मैं कुछ बोलता ही नहीं था, खामोश रहता था, गूंगा लोग मुझे समझते थे। ठीक है, तो गूंगा मुझे समझते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता, फरमाते हैं कि मैं कांटों पर नंगे पांव चलता, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में मैं बिला झिझक दाखिल हो जाता। खौफनाक वादियों में, भयानक गारों के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता, मैं बिगर डरे बिला झिझक उसमें दाखिल हो जाता। दुनिया बन सवर कर मेरे सामने जाहिर होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दुनिया की तरफ तवज्जो ना करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता, मेरा जो नफ्स है, हुज़ूर ग़ौसेबाग फरमाते हैं कि मेरे आगे आजिज़ी करता कि आपके जो मर्जी, आपकी जो मर्जी होगी मैं वही करूँगा, और वो और मेरा नफ्स कभी मुझसे लड़ता, और अल्लाह पाक मुझे अपने नफ्स पर फतेह नसीब करता। मैं मुद्दतों मदाइन के बयाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहिदात में लगाता रहा। अब आखिरी जुमला सुने, हुज़ूर ग़ौसेबाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, आखिरी जुमला अल्लाह हू अकबर, दिल के कानों से सुनिएगा, मजा आएगा, ईमान ताज़ा होगा। हम यार बात बात पर अल्लाह पाक के बारे में शिकवा शिकायत करते हैं, है ना, इतनी अच्छी जिंदगी होने के बावजूद थोड़ी सी आजमाइश आ जाती है, हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर देते हैं। लेकिन हुज़ूर ग़ौसेबाग की जो है ना हालात ज़िंदगी देखे, आप फरमाते हैं कि मैं एक साल तक, कितने साल तक, एक साल तक गिरी पड़ी चीज़ें खाता, जो चीज़ें सड़क के किनारे पड़ी रहती, खाना वो कई दिनों की बासी रोटी पड़ी रहती है ना, हुज़ूर ग़ौसेबाग फरमाते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को उठाकर खाता एक साल तक, फिर उसके बाद वो चीज़ खा करके एक साल तक पानी नहीं पीता था। एक साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता, पानी नहीं पीता, फिर हुज़ूर ग़ौसेबाग फरमाते हैं फिर एक साल मैं सिर्फ पानी पर गुजारा करता, सिर्फ पानी पर कुछ नहीं खाता, एक साल गिरी पड़ी चीजों पर गुजारा करता, एक साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता, फिर हुज़ूर ग़ौसेबाग फरमाते हैं कि फिर एक साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ फाके पर गुजारा करता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, यूं ही गुजारा करता। हम और आप तीन दिन ना खाए तो चौथे दिन में हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है, उठने की होश नहीं होती है कि नहीं। हुज़ूर ग़ौसेबाग एक साल तक ना कुछ खाते ना कुछ पीते, फिर फरमाते हैं मुझ पर सख्त आजमाइशें आती, कड़ी से कड़ी आजमाइश आती। आजमाइश किसकी तरफ से होती है, यूं ही मेरे गौस का झंडा थोड़ी ना लहरा रहा है यार, यूं ही गौस का मुर्गा कुकरू को हर जगह थोड़ी ना कर रहा है, यूं ही गौस का डंके हर तरफ नाम थोड़ी ना लिया जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना है। आप फरमाते हैं कि मुझ पर सख्त से सख्त आजमाइशें आती, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आती। हाँ, एक बार हुज़ूर ग़ौसेबाग फरमाते हैं कि एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया, सख्त सर्दी की रात, अब ठंडी आने वाली है, अब देखिएगा कि जनवरी की सर्दी रात, सर्द रात में
हम कैसे ठिठर रहे होंगे, कपड़े भी पहने होंगे, कंबल के अंदर भी ठिठर रहे होंगे। हुजूर फातिमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरा यूं इम्तिहान लिया, सख्त सर्दी के बाद थी, तो मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़े थे, ना गर्म, सर्दी से बचने के लिए गर्म लिहाफ था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरा यूं इम्तिहान लिया, सख्त सर्दी के बाद में मेरी आग लगी, मुझे नहाने की हाजत पड़ी, मुझ पर गुस्ल फर्ज हो गया। अल्लाह को अकबर। उस सख्त सर्द रात में मैं उठा और नहर में आया, फौरन गुस्ल किया, फिर जाके सोया, आग लगी, फिर मुझ पर गुस्ल फर्ज हो गया। फिर आया, फिर जो है वो सर्द रात में गुस्ल किया, पाक हुआ, फिर आया। बस क्योंकि सर्दी की रात आपको पता होगा लंबी होती है, हैं? सर्दी की रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, गर्मियों में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। तो हुजूर खातिब पाक फरमाते हैं कि इसी तरह से मैं नहाता रहा, गुस्ल फर्ज होता रहा, उस एक रात में मैंने 40 मरतबा गुस्ल फर्ज किया। सर्दी रात में हम और आप, अगर हम पर गुस्ल फर्ज हो जाए, अगर आप नहाना भी चाहें तो नल की भी बर्फ हो जाता है, पानी जिस्म में डालेंगे ऐसा लगता है कि जिस्म बहकर गिरे चलाएंगे, और वो नल का पानी। अब आप सोचे नहर का पानी, जहाँ कोई मतलब ये नहीं है, शबनम हरा धर उसमें पानी पे गिर रहा होता है, अब बताइए नहर का पानी कितना ठंडा होता है। हुजूर बोलते पाक उस पानी से 40 मरतबा गुस्ल फरमाया। अल्लाह पाक के ऐसे बड़ी है हुजूर बोलते पाक, ऐसे मकाम रखते थे। तो मेरे प्यारे हुजूर बोलते पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मरतबा है ए गौस वाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और या मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, है ना। हुजूर गौसे पाक की शान बहुत अरफा वाला है, और ये अरफा वाला शान आपको, ये मकाम जो आपको मिला, ऐसी आप आजमाइशों पर आजमाइश आई, लेकिन हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मुझ पर आजमाइशों का पहाड़ हद से पार हो गया, यानी जब बहुत ज़्यादा आजमाइश आ गई, तो फिर मैं ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन पे गिर पड़ा। यानी एक बंदे पे जब बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ जाती है तो बंदा टूट जाता है ना, टूटता है कि नहीं टूटता। तो पाक पर भी एक मकाम आया, आजमाइशों का इतना पहाड़ आया कि आप ज़मीन पर गिर पड़े, और आप उसी वक्त आयत मुबारक कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाई, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक आजमाइशों के बाद क्या है, आसानी। आजमाइशों के बाद आसानी है। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका के बाद फिर मुझ पर से आजमाइशें ऐसी टली, फिर कभी लौट कर ना आना। ये है मेरे गौस, हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ऐसे गौस का दामन मिला। अब हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का भी ये फरमान है कि हम कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। हकीकी में हुजूर गौसे पाक की गुलामी यही है, जो हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ नारेबाजी से गुलामी का दम नहीं मारा जाता, हकीकत में हुजूर गौसे पाक की गुलामी हम अदा कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक की रूह खुश हो रही है कि हम कुरान सीख रहे हैं। जिस कुरान को सीखने के लिए हुजूर गौसे पाक ने कई कई दिनों तक फाके किए, आजमाइशों का पहाड़ आपने बर्दाश्त किया कुरान सीखने के लिए, कुरान की तालीम को फैलाने के लिए, उस कुरान को हम सीख रहे हैं, तो हुजूर गौसे पाक खुश होंगे कि नहीं होंगे? सीखेंगे कुरान इंशाअल्लाह, पाक का फैजान होगा इंशाअल्लाह, नज़र करम होगा इंशाअल्लाह, हम कुरान सीख जाएंगे दुनिया की शोर जाएंगे। तो बता दीजिए कौन आज कितना मतलब दुरूद पाक पढ़े।